चेक पोस्ट पर अवैध वसूली से परेशान ट्रांसपोर्टर्स ग्वालियर पहुंचे और परिवहन आयुक्त मुकेश जैन को अपनी पीड़ा बताई। परिवहन आयुक्त जैन को दिए आवेदन में बताया गया कि अब परिवहन व्यवसाय करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कोविड-19 के कारण परिवहन व्यवसाय को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब जब परिवहन आरंभ हुआ है तो चेक पोस्ट पर अवैध वसूली ने ट्रांसपोर्टर्स की हालत खराब कर दी है। प्रदेश में नए वाहनों की बिक्री घटती जा रही है और इससे GST और वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क भी घटता जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि चेक पोस्ट पर अवैध वसूली और 6 महीने का रोड टैक्स माफ किया जाए। इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष CL मुकाती ने यह आवेदन सौंपा। इसमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी समेत संभाग के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। भिकन गांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। चेक पोस्ट पर विभिन्न प्रकार के अनियमितताओं एवं कुछ जो टैक्सेशन के संबंध में जो नीतियां हैं उसके संबंध में ध्यान आकर्षित कराया है और टैक्सेशन के संबंध में भी ध्यान रूप से आकर्षित कराया है कि जो कोविड पीरियड का जो टैक्स गाड़ियों पर लग रहा है वो माफ़ होना चाहिए। इसके अलावा जो चेक पोस्ट पर अनियमितताएँ हैं कि अवैध वसूली संबंधी आरोप हैं इसमें, इसके अलावा जो है अननेसेसरली बिना मतलब जो है गाड़ियों के खामी के उसमें खामी निकाल के उस पर कार्रवाई करने संबंधी इस वक्त ध्यान आकर्षित कराया है और निश्चित रूप से इन सारे बिंदुओं को बहुत गंभीरता से लेके हम जांच सुनिश्चित करेंगे और जहाँ पे विसंगतियाँ पाई जाती हैं ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को दंडित भी किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी खामियां दूर हों जिससे हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान हो। सर, प्राइवेट लोगों की मांग करें, मार्केट करते प्राइवेट लोग किस तरीके? देखिए, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और ऐसे जो इंस्टेंसेस हैं, ऐसे जो उदाहरण हैं उसमें सामने आए हैं और जिसके संबंध में साक्ष्य दी गई है और की भी जा रही है। इस संबंध में जांच ऑलरेडी अनिश्चित है, उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई किया जाएगा। किसी को भी इस प्रकार का अधिकार नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।